नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 12:30 तक रहेगी। साथ ही आज रात 9:12 पर सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च की दोपहर 12:34 तक यहीं पर रहेंगे। आज देर रात 2:19 तक परिधि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:23 तक धनिष्ठा नक्षत्र भी रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:05 से कल सुबह सूर्योदय तक रहेगा, और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 फरवरी की शाम 4:33 से अगली सुबह सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:02 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:46 तक रहेगा, और फिर आज ही शाम 6:06 से रात 12:59 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। आप ये मुहूर्त 14 फरवरी की सुबह 9:52 से 10:09 तक और दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 13 फरवरी की सुबह 7:01 से 8:31 तक और सुबह 9:56 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 7:02 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:35 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 10 से दोपहर 12:29 तक भी रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10 से दोपहर बाद 3:46 तक और शाम 6:06 से रात 12:59 तक रहेगा। अगर आपको जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 14 फरवरी की शाम 4:33 से 5:58 तक और रात 8:15 से 1:59 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इसे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:36 तक, मुंबई दोपहर पहले 11:27 से दोपहर 12:53 तक, चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:14 से दोपहर 12:37 तक, लखनऊ सुबह 10:57 से दोपहर पहले 12:21 तक, भोपाल दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:34 तक,
कोलकाता सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:51 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:29 से दोपहर 12:54 तक, चेन्नई सुबह 10:55 से दोपहर 12:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आप अपना खुद का कारोबार करने की सोच सकते हैं। इसमें बड़े भाई का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आज आप किसी भी तरह के जमीन जायदाद के बारे में कोई भी डील कर रहे हैं तो अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। महिलाएं आज घर की चीज़ों का ध्यान रखें, कुछ खो सकता है। आज दिन खत्म होते होते आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि आपका काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसकी रूपरेखा जरूर बना लीजिए। पूरे दिन को प्लान रखिए। शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर आप राहत महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव होंगे जो आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, इससे आपके रिश्तों में नयापन आएगा। आज आप अपना ध्यान लक्ष्य की ओर बनाए रखें। आज किसी रिश्तेदार की मदद मिलने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। छात्र आज अपनी शिक्षा या करियर से संबंधित किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पिता से विचार विमर्श करेंगे। सेहत के मामले में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी। आज आपको सुबह उठते ही अपने पिता से कोई सरप्राइज मिल सकता है। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे, आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत सफल रहेगी। आज आपको अपनी आँखों का ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, इससे संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। घर के किसी काम को लेकर आप कोई बड़ा फैसला करेंगे। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। आपको बिजनेस संबंधी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। आज कहीं भी अनावश्यक यात्रा करने से बचें, अन्यथा दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। बच्चे आज मोबाइल पर ज़्यादा समय खराब कर सकते हैं, इसकी वजह से उन्हें अपनी माता से डांट पड़ सकती है। घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए बहुत सी चीज़ें फायदेमंद होंगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज आपको जीवन साथी से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी मेडिकल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल जल्द ही सफलता के रूप में मिलेगा। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज मिलने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में प्रशंसा हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम में जीवनसाथी की सलाह फायदेमंद होगी। बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा होगा। आपके माता पिता की सेहत में सुधार होगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ बहस करने से आपको बचना चाहिए, स्थिति आपके विपरीत हो सकती है। अधिकारियों के साथ आपको बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई दोस्त आपके काम में मदद कर सकता है। कारोबार में बरकत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। खुद की मेहनत से आप परिवार की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में कामयाब होंगे। किसी जरूरी काम में आज आपको सफलता मिलेगी। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे। लवमेट्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही उनके साथ में बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आज आपकी सकारात्मक सोच आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कपड़ों के कारोबार में आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपको काफ़ी फायदा दिलाएगा। आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे और लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल रहेंगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कदर करेंगे, इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। धन और राशि वालों, आज आप किसी सामाजिक कार्य में अपना हाथ बटाएंगे, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। जीवन साथी आज आपको कुछ उपहार दे सकते हैं। उचित दिशा में मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। छात्रों को कोई खुशखबरी मिलेगी। पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक रूप से किसी भी फैसले के लिए आपको बड़ा ही सतर्क रहकर काम करना चाहिए। परिवार में शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है। आज किसी से बात करते समय आपको विनम्र स्वभाव का प्रयोग करना चाहिए, इससे लोगों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप बिल्डर हैं तो आज आपको बहुत ही सोच समझ कर निवेश करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको वर्क प्लान तैयार करना चाहिए, इससे आपको काम में फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। सेहत के मामले में आप खुद को थोड़ा थकान भरा महसूस कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी अधूरे काम में आज हाथ लगाने से वो जल्द ही पूरा होगा। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए आपको नया मौका मिलेगा। इस राशि के छात्र अगर योजना बनाकर तैयारी करेंगे तो करियर में उन्नति के अच्छे रास्ते खुलेंगे। परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में कोई नया अनुबंध होगा। रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी। आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिलेगा। बच्चे आपके साथ कोई गेम खेलने की जिद करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल होगी। लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है आज किसी बच्चे को गर्म कपड़े गिफ्ट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नयापन आएगा। मूलांक 2, आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे, आपके किसी खास काम में मदद भी कर सकते हैं। मूलांक 3, कारोबार में तरक्की होगी, साथ ही आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 4, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है जिस कारण आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। मूलांक 5, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आएंगी, लाइफ पहले से रोमांचक बनेगी। मूलांक 6, आप किसी काम में बिजी बने रहेंगे लेकिन शाम तक वो काम आपका पूरा हो जाएगा। मूलांक 7, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आप परिवार की राय जरूर ले लें। मूलांक 8, लवमेट के साथ कॉफ़ी पीने जाएंगे, जिससे आपके रिश्तों में और भी अधिक मिठास बढ़ेगी। मूलांक 9, आज आप कोई भी काम करें तो धैर्य के साथ करें, जिससे आपका काम अच्छे से पूरा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम कल की कड़ी में आगे बढ़ेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि कौन सा अंक किस मूलांक वाले व्यक्ति को अपने घर में किस चीज़ की प्रधानता देनी चाहिए। तो जिन लोगों का मूलांक हमने आपको बताया था कि 1, 2, 3 और 4 वाले क्या करें, आज नंबर है 5 का। तो 5 मूलांक वाले जातकों का ग्रह बुध है और उत्तर दिशा इनके लिए विशेष रूप से शुभ है। इसलिए 5 मूलांक वाले जातकों को उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी की या कुबेर की मूर्ति रखनी चाहिए। 6 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शुक्र है और दक्षिण पूर्व इनके लिए शुभ है। इसलिए 6 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर का पंख रखना चाहिए या उधर सुगंध जलानी चाहिए। 7 मूलांक वाले जातकों का ग्रह केतु है, इसलिए 7 मूलांक वालों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राक्ष या शहद रखना चाहिए। 8 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शनि है और पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है।
इसलिए 8 मूलांक वालों को घर की पश्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टल रखना चाहिए या घर की पश्चिम दिशा में गाय के गोबर का एक छोटा सा पहाड़ जैसा बनाकर रखना चाहिए। 9 मूलांक वाले जातकों का ग्रह मंगल है और दक्षिण दिशा इनके लिए शुभ है, इसलिए 9 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण दिशा में पिरामिड रखना चाहिए या कॉपर से बनी कोई चीज रखनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 12:30 तक रहेगी, साथ ही आज रात 9:12 पर सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 11 मार्च की दोपहर 12:34 तक यहीं पर रहेंगे। बता दें कि जिस दिन सूर्यदेव किसी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सूर्य की संक्रांति होती है, लिहाजा आज सूर्य की कुंभ संक्रांति है और किसी भी संक्रांति में पुण्यकाल का बड़ा महत्व होता है। शास्त्रों में पुण्यकाल के दौरान पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व बताया गया है। आपको बता दूं कि सूर्य की कुंभ संक्रांति के दौरान गोदावरी नदी में स्नान दान का विशेष महत्व है। आज गाय और अन्न दान करने का भी बड़ा महत्व, आप गाय नहीं दान कर सकते तो गाय का दूध दान कर दीजिए, लेकिन वो गाय का ही दूध होना चाहिए। तो ये थी आज सूर्य की कुंभ संक्रांति की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज देर रात 2:19 तक परिधि योग रहेगा, इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर 2:23 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों से धनिष्ठा 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का अर्थ होता है सबसे धनवान, इस नक्षत्र को सुख समृद्धि और मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र की राशि कुंभ, मकर राशि मकर और कुंभ दोनों हैं। वनस्पतियों में धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को शमी के पेड़ को नमस्कार जरूर करना चाहिए, इससे आपको जीवन में कई तरह के लाभ मिलेंगे। तो ये थी आज परिधि योग और धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज सूर्य के कुंभ राशि में इस गोचर से 11 मार्च की दोपहर 12:34 तक विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा और उसके लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी, आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, साथ ही बहुत दिनों से अधूरी पड़ी आपकी कोई इच्छा पूरी होगी, लिहाजा 11 मार्च तक सूर्यदेव के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए रात के समय अपने सिरहाने 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जनपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर से आपको राज्य से लाभ मिलेगा, यानी आपको करियर में खूब सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता को भी अपने काम में उन्नति मिलेगी। अपने साथ साथ अपने पिता के जीवन में तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज से 11 मार्च तक घर से बाहर निकलते समय अपना सिर ढककर जाइए। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 9वें स्थान का संबंध आपके भाग्य से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप 11 मार्च तक जो भी काम करेंगे वो समय पर पूरा जरूर होगा, लिहाजा 11 मार्च तक भाग्य का साथ बनाए रखने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का उपयोग करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दौरान किसी को पीतल की कोई चीज़ न दें। और कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आयु से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। आपको 11 मार्च तक अपनी सेहत और अपनी आयु पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी जीवनी शक्ति को बनाए रखने की आवश्यकता है। इस दौरान सूर्यदेव की कृपा से अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए आपको काली गाय की सेवा करनी चाहिए। और सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे।
जन्म पत्रिका में सातवें स्थान का संबंध जीवन साथी से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको अपने जीवन साथी से रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए खुद से कोशिशें करनी होंगी। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से कोई भी ऐसी बात कहने से बचना चाहिए जो उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही 11 मार्च तक जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में छठे स्थान का संबंध मित्रों से है। आपके दोस्त आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार रहेंगे। दूसरे लोग खुद आकर आपसे जुड़ना चाहेंगे, अतः 11 मार्च तक दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मंदिर में बाजरा दान करें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में पांचवें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, विवेक, संतान और रोमांस से है। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से पढ़ाई से आपका ध्यान थोड़ा हट सकता है। आपको अपने गुरु से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, साथ ही संतान के साथ संबंधों पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। इस दौरान हर तरह से अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट करें। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में चौथे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको जीवन में माता का सहयोग मिलेगा, साथ ही भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। 11 मार्च तक जीवन में इस लाभ को बनाए रखने के लिए मंदिर में गुड़ का दान करें। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में तीसरे स्थान का संबंध भाई बहनों और अभिव्यक्ति से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा, साथ ही आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। इस दौरान भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति को बनाए रखने के लिए आपको सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में दूसरे स्थान का संबंध धन से है। आपकी आर्थिक स्थिति से है। सूर्यदेव के इस गोचर के दौरान किसी से पैसों का लेन देन करते समय अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और 11 मार्च तक सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको मंदिर में नारियल के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में पहले स्थान का संबंध आपके शरीर से, आपके प्रेम संबंधों से और आपके मान सम्मान से है। सूर्यदेव के इस गोचर का 11 मार्च तक आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, साथ ही आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान सूर्य की शुभ स्थितियों को जीवन में बनाए रखने के लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शय्या सुख और व्यय से है। सूर्यदेव के इस गोचर से आपको शय्या सुख का लाभ मिलेगा। आपको बिना जरूरत की चीज़ों पर पैसे खर्च करने से बचना चाहिए। साथ ही सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको धार्मिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः सूर्य की कुंभ संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, अगर आप घर का वास्तु करवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। B, कॉलिंग सेंटर से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, आपका टारगेट आज पूरा होगा। C, जीवन साथी के साथ बाहर घूमने जाएंगे, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। D, ऑफिस में काम ज़्यादा रहेगा, शाम को घर आने में आपको कुछ देर भी हो सकती है। E, करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका करियर और बेहतर बनेगा। F, किसी को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप दे सकते हैं। G, रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए दिन बेहतर होगा, आपकी रिसर्च आज पूरी होगी। H, आपकी सोच में पॉजिटिविटी बनी रहेगी जिससे आप बिजनेस में कुछ नया करेंगे। I, लवमेट के साथ कहीं घूमने जाएंगे, प्रेम संबंधों में गहराई आएगी। J, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, यात्रा के दौरान आपकी किसी से दोस्ती होगी। K, कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा जिससे आप बहुत खुश बने रहेंगे। L, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी करेंगे।
एम ऑफिस में हर काम बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे, सीनियर साहब से खुश बने रहेंगे। एन आज घूमने फिरने में समय बीतेगा, करीबी दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। ओ कपड़े का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। पी वैवाहिक जीवन में कोई मंगल प्रसंग आ सकता है जिससे आपका जीवन और बेहतर बनेगा। क्यों किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, उनसे आपको कोई बेहतरीन बात सीखने को मिलेगी। आर आपको किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा जिससे आपके सरकारी काम पूरे होंगे। एस संतान की सफलता से आपका नाम रोशन होगा, साथ ही आप बहुत खुश होंगे। टी कामकाज के सिलसिले में बाहर जाएंगे, जिस काम से आप जाएंगे वो काम पूरा होगा। यू परिवार में कुछ रोचक बातें होंगी जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। वी लवमेट के लिए आज खुशी का दिन है, पार्टनर से आपको कुछ शानदार गिफ्ट मिलेगा। डब्ल्यू अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाइए। एक्स कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही शुरू करें। वाई अविवाहितों के लिए दिन बेहतर रहेगा, शादी के लिए प्रपोजल्स आएंगे। जेड छोटे भाई बहनों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं जिससे वो आपसे बहुत खुश होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। खास बात यह है यहाँ भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग के साथ ही माता पार्वती की मूर्ति भी स्थापित है। बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 1700 साल पुराना है और पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित घोषित किया हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बने हैं। मंदिर के अंदर गणेश जी का विग्रह भी स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर माता ने मुंड नाम के राक्षस का संहार किया था, तभी उन्हें यहाँ मुंडेश्वरी माता कहा जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन और पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बाएं हाथ के बारे में। जिस प्रकार पुरुषों के बारे में जानने के लिए दाहिना हाथ देखा जाता है, उसके विपरीत स्त्रियों का बायां हाथ देखकर उनके जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। बायां हाथ व्यक्ति की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। बायां हाथ बताता है कि हम अपने साथ क्या क्या लेकर पैदा हुए हैं। वैसे आपने कई बार सुना होगा कि तुम तो अपनी किस्मत लिखवा कर आए हो या तुम बहुत भाग्यवान हो, यानी बायां हाथ ये बताता है कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है और क्या नहीं। जिस प्रकार दाहिना हाथ भविष्य दिखाता है, उसी प्रकार बायां हाथ उस व्यक्ति के अतीत का परिचय भी करवाता है। ये भी बता दूं कि हमारा बायां हाथ दाहिने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है और हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा नमूने की पहचान, संबंधों की समझ बूझ, व्यक्ति की खासियत, उसकी प्रकृति, गुण और समस्याओं के निदान का निर्धारण करता है। इसे एक तरह से व्यक्ति के आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का हिस्सा माना जा सकता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 फरवरी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 12:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 12:57 तक रहेगी। और द्वितीय तिथि में छोटे बैगन खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयत स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक फूल जेब में रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।